आरजेडी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर सवाल खड़े कर रही है। आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र एबीपी न्यूज से, उन्होंने कहा है किसी अधिकारी को छुट्टी बढ़ाने घटाने का कोई अधिकारी नहीं है, सुन लीजिए जरा। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये तो शरिया कानून लागू करने की ओर बढ़ रहा है, हिंदुओं सनातन धर्म जो मानने वाले हैं उनकी छुट्टियों को खत्म कर रहा है। अच्छा, उनके पास और कोई मुद्दा है? हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा है क्या? ये वही लोग न है, कल का जनसंघ आज का बीजेपी, जो अंग्रेजों का दलाली करते थे, अंग्रेजों का मुखबिरी किया करते थे। हमारे भारत में जितने सूरवीर हुए और लड़ाकू हुए, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह, इन्हों को फांसी किसने दिलवाया? ये कल का जनसंघ आज का बीजेपी वाले नेता ही मुखबिरी कर दिलवाने का काम किया था। ये अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधे मिलकर देश की आज़ादी के खिलाफ में काम करते थे लोग, वही लोग हैं। इसलिए इनको जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान याद आती है, जब महंगाई तो हिंदू मुसलमान सब झेल रहे हैं ना। चलिए, तो सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि आरजेडी के कई नेता जो हैं वो भी इस बात को लेकर विरोध जता रहे हैं कि साहब ये छुट्टियां कम क्यों कर दी गई हैं। ऐसे में तो फिर सवाल और बड़ा हो जाता है, जो मैंने पहले आपसे पूछा था प्रकाश कुमार, क्या कोई नई रिवाइज लिस्ट लाई जा सकती है? देखिए, ये तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही तय करेंगे, क्योंकि जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यह तय कर लिया, क्या ये सवाल उठता है कि उन्होंने शिक्षा मंत्री से इसको लेकर के सहमति ली थी? क्योंकि ये बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक और जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उनके बीच में कई बातों को लेकर विवाद अभी भी जारी है, दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं। तो ये देखना होगा क्या सरकार की सहमति से ही उन्होंने कैलेंडर में बदलाव किए हैं या फिर नहीं। अब जिस तरह से आरजेडी सवाल खड़े कर रही है, तो ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार मुंबई से जब लौट कर आएंगे तो क्या वो फैसला लेते हैं, क्या इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं, या फिर जो खबर हम लोग अभी दे रहे हैं, अगर इसकी जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तो क्या इसमें बदलाव के लिए वो कोई कोशिश कर सकते हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा रोमाना, क्योंकि छुट्टियों को लेकर जो है काफ़ी एक तरह से बवेला खड़ा हो गया है। बीजेपी भले ही जो भी कह रही हो विरोध में, लेकिन आम लोगों के बीच में भी ये है कि इतनी छुट्टियां कम करने का क्या मकसद हो सकता है। ये भी बात सही है कि राइट टू एक्ट एजुकेशन एक्ट के तहत में ये है प्रावधान कि 200 दिन कम से कम एक से पाँचवीं कक्षा के छात्रों के लिए चाहिए, वहीं 220 दिन चाहिए छठी से लेकर आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए। तो क्या सिर्फ इन छुट्टियों में कटौती करके उसे पूरी की जा सकती है? क्या दूसरा विकल्प नहीं हो सकता था? क्योंकि ये मामला थोड़ा धर्म से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर है कि बीजेपी ने अपने पाले में इस गेंद को ले लिया है और फिर उसे जेडीयू के खाते में, सरकार के खाते में डाल दिया है। ये बताइए, तो इस पर क्या सालाना कैलेंडर है उसमें अब छुट्टियों में कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये जो आया है सितंबर से दिसंबर वाली जो हिस्सा है साल का, उसमें 23 से छुट्टियां घटाकर 11 की जा रही है ना। सालाना कैलेंडर के हिसाब से अब ये नए जो फरमान जारी हुआ है इसके हिसाब से छुट्टियां कितनी होंगी? देखिए, कैलेंडर्स जो होते हैं वो पहले ही साल के पहले तैयार कर लिए जाते हैं, हर विभाग में भी इसे बांटा जाता है, सरकार भी करती है और साथ ही शिक्षा विभाग में भी अलग अलग जगह पर स्कूल कॉलेजों के लिए इस तरह के दिए जाते हैं और पहले से ही फैसला हो जाता है। तो इन छुट्टियों को कम करने से क्या जो 200 जो स्कूल में दिन आने के हैं छात्रों के, उसमें कहीं कटौती हो रही थी? आखिर वो कटौतियाँ किस कारणों से हुई? क्योंकि अक्टूबर का सितंबर के बाद से ये जो छुट्टियाँ उसे कम की जा रही हैं, तो ये 4 दिन 6 दिन से क्या वो वाकई में उसमें कोई बदलाव आ सकता था? इन सब विषयों पर तो शिक्षा विभाग का डिटेल रिपोर्ट आना बाकी है कि आखिर क्या इनकी जगह कोई दूसरी व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? दशहरा छुट्टी, दिवाली, इन सब छुट्टियों को क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि ये परंपरागत, अच्छा ये भी है कि 2023 के लिए ही, देखिए इसी सितंबर से लेकर दिसंबर तक 12 छुट्टियां कम की गई है, ये बड़ा आंकड़ा है। पहले 23 छुट्टियां होती थी जो अब घटाकर 11 रह जाएंगी, और इसी को लेकर ये सियासी संग्राम जो इस वक्त बिहार में चल रहा है, गेंद एक तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में आ गई है। देखना होगा वो इसको लेकर क्या फैसला लेते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।